हेलो टकिस, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। टकिस, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपना नेशनल डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड कैसे बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी रिसेंटली 27 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल हेल्थ डिजिटल आईडी कार्ड सिस्टम लॉन्च किया है, जिसके तहत इंडिया के हर एक पर्सन को नेशनल डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड होगा, जिसमें आपकी हेल्थ से रिलेटेड सारी जानकारी होगी। और इस नेशनल डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड में आपकी हेल्थ का पूरा लेखा जोखा रहे। आप जब भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो डॉक्टर आपके कार्ड को स्कैन करेगा और आपकी पूरी मेडिकल कंडीशन उसके सामने आ जाएंगी। आपने कुछ दिन पहले कौन सा टेस्ट किया हुआ था, या फिर आपका कुछ ऑपरेशन वगैरह हुआ था, या आपका जो भी हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीजें हुई थी हॉस्पिटल में, आपका सारा लेखा जोखा आपके इसी नेशनल डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड में होगा। तो आपको डॉक्टर के पास जाकर ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो आप डायरेक्ट उस कार्ड को दे देंगे तो वो डायरेक्ट इसे स्कैन कर लेगा और आप उसके सामने सारी डिटेल्स आ जाएंगी कि आपने क्या क्या करा रखा है कुछ समय पहले। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। और इसमें आपकी कौन सी दवाइयां चल रही हैं उसका भी रिकॉर्ड यहां पर होगा। ये बहुत ही काम की चीज है। चलिए हम देखते हैं कि इसे रजिस्टर कैसे करना। और हाँ, अगर आप कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये ट्रीटमेंट फ्री वाली योजना है, जी नहीं दोस्तों, ये ट्रीटमेंट फ्री वाली योजना नहीं है। अच्छा, हमको सिखा रहा है। इसमें सिर्फ आपके दवाइयों का हेल्थ से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स का इसमें लेखा जोखा रहेगा। इसका बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट यूज होता है, जैसे रोड साइड में कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसे ट्रीटमेंट हम करा रहे हैं तो डॉक्टर को ये जानने में बहुत ही आसानी हो जाती है कि इसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, जिससे उसका गलत ट्रीटमेंट ना हो। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से अपना नेशनल डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड कैसे जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने ब्राउजर में जाना है, देन गूगल पे जाना है। अब आपको यहाँ पर सर्च करना है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लिखना है। आपको नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लिख के एंटर प्रेस कर देना है। आपके सामने ये पहली वेबसाइट आएगी NDHM की। आपको इसी साइट में जाना है और आप इसमें कंफ्यूज ना हो, इसका दूसरा नाम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी है। तो ठीक है, आपके सामने कुछ ऐसी इंटरफेस आएगा वेबसाइट का। अब आपके पास यहाँ पर ऊपर राइट हैंड साइड में आपके पास यहाँ पर ऑरेंज बॉक्स में लिखा आ रहा है क्रिएट योर हेल्थ आईडी कार्ड। आपको इसमें क्लिक करना है। आपके सामने अनदर टैब में एक और विंडो ओपन होगी, इसमें लिखा है कि जनरेट योर हेल्थ आईडी कार्ड। आपको सिंपली आप जनरेट वाया आधार में क्लिक करना है। इसमें आपका आधार कार्ड लगेगा, देन आपको इसमें क्लिक कर देना है। यहाँ आधार कार्ड नंबर डालना है, का अपना आधार कार्ड नंबर डाल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना आधार कार्ड नंबर डाल दिया है। देन नीचे आई अग्री में क्लिक करना है, तो करना देन आई एम नॉट अ रोबोट इसमें चेक कर देना है। कैप्चा आएंगे, आप इसे फिल कर सकते हैं। इसमें चिमनी कहाँ पर है ये ढूंढना है। मैं जल्दी जल्दी से फिल करके दिखा देता हूँ आपको। ये हो गया, आप सबमिट में क्लिक कर देना है। आपको सामने OTP आएगा, आपके रजिस्टर्ड आधार कार्ड मोबाइल नंबर। चलिए मैं अपना OTP डाल देता हूँ इसमें। तो मेरे पास OTP आ चुका है, मैं अपना OTP डाल देता हूँ। तो OTP डालने के बाद आपको सबमिट में क्लिक कर देना है। अपना यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालना है। आपको मोबाइल नंबर आप कोई सा भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना नंबर डाल दिया जिसमें OTP आएगा। यहाँ पर OTP आएगा मोबाइल नंबर में। तो ये हमारा OTP आ चुका है। मैं अपना OTP डाल देता हूँ। ये मैंने OTP डाल दिया, देन सबमिट में क्लिक कर देता हूँ मैं। तो ये मेरे सामने मेरी फोटो आ चुकी है आधार कार्ड की। यहाँ पर मेरा सारी डिटेल्स आ चुकी हैं। तो आपके सामने यहाँ पर आधार कार्ड से ये अपनी डिटेल जनरेट कर लेगा। यहाँ पर आपको PHR एड्रेस लिखा रहा होगा। जिस तरीके से आप ईमेल एड्रेस बनाते हैं उसी तरीके से आपको PHR एड्रेस बनाना है। आपको लिखना है सिंपली, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ सूर्यन गुलानी, बस आपको ये लिख लेना है। देन ये हमारा PHR एड्रेस बन चुका है। देन यहाँ पर आपको ईमेल आईडी भी डाल देना है अपनी। यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ। मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी है। देन यहाँ पर सबमिट में क्लिक कर देना है आपको। अब यहाँ पर सब सही चल रहा है। यहाँ पर सबमिट में क्लिक करने के बाद आपको ये अपना हेल्थ आईडी कार्ड जनरेट जाता है। आप सिंपली यहाँ पर डाउनलोड हेल्थ आईडी कार्ड में क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। ये मेरा डाउनलोड होना चालू हो गया, ये डाउनलोड हो चुका है मेरा। हालांकि ये अभी सर्विस सब जगह चालू होना स्टार्ट नहीं हुई है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ये हर जगह धीरे धीरे पहुंचेगा, देन इसका यूज चालू होगा। तो आप इसे से ही बना के रख ले जिसमें आपको बाद में कोई परेशानी ना जाए। अच्छा बोले ऐसा होता है। तो ये आपको फ्यूचर में डेफिनेटली काम आएगा। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।